अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी YouTube की फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो और अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो अभी मैं किचन में आई और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। उस्मान को काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं और थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करके बनाते हैं। आज क्या डिफरेंट बन रहा है? मैंने फ्रोज़न चिप्स लिए और ये मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और मैंने थोड़े से ऑयल में ये डाल दिए, उसके बाद मैंने इसमें एक हरी मिर्च छोटी छोटी काट के डाल दी, नमक डाल दिया, इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और जो मसाले होते हैं ना ड्राई, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया, ज़ीरा पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मैंने इस पर एक और चीज़ डाली थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप ढक के रख दें तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। वैसे कभी कभी मैं ये फ्रेश आलू जो होते हैं उनके साथ भी बना लेती हूँ, कभी कभी जो फ्रोज़न चिप्स होते हैं आप उनके साथ भी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में फ्रोज़न चिप्स तो ज़्यादातर जो बच्चों वाले घर होते हैं या वैसे भी आपके घर में रखे हुए होते हैं तो आप पराठे के साथ ये बना सकते हैं, इवन कि आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इस पे डाल दी थी कलवंजी, कलवंजी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ऐड करें, नहीं अच्छी लगती तो आप ना ऐड करें। यहाँ पे मैं अब रोटी बना रही हूँ और आप देख सकते हैं आटा ड्राई जो है ना वो मैंने अपने कपड़ों पे भी लगाया हुआ है और ये इस तरह से हो जाता है समटाइम जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ और फिर उसके बाद जब मैं एडिट करती हूँ तो मेरी खुद ही कभी कभी हंसी निकल जाती है। कपड़ों पे मैंने सारा जो है ना वो यहाँ पे आटा लगाया हुआ। अच्छा जी, खैर तो मैं रोटी बना रही हूँ और मैंने उस्मान को अभी देना था ये नाश्ता, उसके बाद मैंने आज करनी थी स्टिचिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब मैं सोच रही थी कि मैं डेली थोड़ी थोड़ी करके जो है ना वो स्टिचिंग अगर करती रहूँगी तो इस तरह से मेरे कपड़े जो है ना वो आराम से सिल जाएंगे। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार से आलू जो हैं वो रेडी हो गए हैं और इतने जल्दी रेडी होते हैं, जितनी देर में मैंने रोटी बनाई है उतनी देर में ये रेडी हो गए, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। मैंने खैर फ्रोज़न बनाए हैं, अगर आप फ्रेश बनाएंगे थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही मज़े के लगते हैं और जो कलवंजी का टेस्ट आता है ना जो ब्लैक सीड्स होते हैं बहुत ही कमाल का आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी बड़ी अच्छी धूप जो है ना वो मुझे नज़र आई और मेरा एक काम है आया है, आज तो आँखों में लग रही है वैसे निकलती नहीं है। आज मैंने ना ये शर्ट अभी कटिंग करनी है, पहले प्रेस करूँगी फिर कटिंग करूँगी फिर उसके बाद इसकी मैं स्टिचिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन तो मैंने नहीं बनाना लेकिन इसको मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं कर ही लूँ इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी मैं ये करने बैठती हूँ लेकिन उससे पहले व्लॉग जो है ना बस वो मैं लगा रही हूँ, वो काम भी हो जाए फिर उसके बाद इसकी आराम से बैठ के कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। और इसका बॉर्डर बड़ा अच्छा आपको मैंने दिखाया था ना, खैर स्टिचिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आयरन को साफ़ करने लगी हूँ और ये देखें थोड़ी सी इस तरह से हुई भी, ये चादर जो है ना ये लग जाती है तो इसको मैंने फुल गर्म कर लिया है, उसके बाद बस इससे फ़ौरन साफ़ हो जाता है ये देखें, वरना कपड़ों पे ये ऐसे नहीं होती, ये चादर पे ज़रा सी भी लगती है ना तो ऐसे हो जाती है। अब इसका कुछ करूँगी, इस चादर का इसको चेंज करूँगी, कुछ और रखूँगी लेकिन इससे ये देखें फ़ौरन फ़ौरन ही हट जाता है फ़ौरन। आयरन हो गई मेरी बिल्कुल साफ, अब उसके बाद मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस और उसके बाद फिर करेंगे कटिंग। और अच्छी कटिंग के लिए ना जितना आप साथ साथ प्रेस करें और जितना आप प्रेस करके कटिंग करें ना उतनी अच्छी होती है, और ये चीज़ ये बात मैंने सीखी है टेलर से शुरू से ही, अभी की बात नहीं है शुरू से ही, क्योंकि मैं उनको देखती थी और फिर मैंने खुद जब किया ना एक्सपीरियंस तो इस तरह से कटिंग भी और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होती है।
ये तो प्रेस हो गया, लेकिन इसको सिर्फ इसको प्रेस किया और धूप चली गई। ये है जी यहाँ का मौसम, धूप चली गई, धूप दोबारा से निकल आई है और ये भी प्रेस हो गया। अभी मैंने इसको और भी करना है और उसके साथ ये भी प्रेस हो गया है। तो इसके जो है ना वो सबसे पहले शर्ट जब भी स्टिचिंग करें तो इसके बॉर्डर जो है ना वो सबसे पहले मैं कट करूँगी। बॉर्डर इसलिए कट करूँगी क्योंकि बॉर्डर लगेगा गले पे, बाजू पे और दामन पे। और ये फूल देखें आप, ये जो है ना जिस तरह ये जा रहा होता है ना तो उसी तरह ही कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की जो भी शर्ट होती है तो उसका दामन मैं काट लेती हूँ, सॉरी बॉर्डर मैं काट लेती हूँ। तो इसका बॉर्डर काट के इसको फिर दोबारा जो है ना मैं भी प्रेस करूँगी। और इस शर्ट में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है इसका एक कलरफुल सा दामन। और इस तरह के कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने अम्मी को कहा था एक इस तरह का कलर आप लेना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ दोबारा इसकी, अगर यहाँ पे सेल्स लगी ना तो ये बड़ा इजी हो जाता है कि यहीं से जो है ना फिर आप ले लो, गुजारा हो जाता है, बाकी फिर देखेंगे। तो पहले इसका बॉर्डर काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका देखती हूँ कि क्या डिज़ाइन बनाऊँ और कैसा बनाऊँ। और थोड़ा सा इसका जो है ना, उस्मान को फिर खांसी आ रही है, थोड़ा सा इसका ना ये मैं बचाऊंगी क्योंकि ये सिलाई में आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो दामन इसका मैंने काट लिया ये देखें, और उसके बाद ये हो गई जी इसकी शर्ट। बाजू इसके वैसे भी सेपरेट है, और इस दफ़ा जो शर्ट्स हैं ना वो मैं लंबी रखूँगी क्योंकि आजकल लंबी वैसे भी फैशन में इन है, लेंथ जिनकी ज़्यादा हो तो वो इन है। तो मैं अभी जो है ना वो इसको देख लेती हूँ, इंच टेप से मेजर करती हूँ और फिर देखती हूँ। वैसे बस लंबी और थोड़ी सी खुली शर्ट्स रखूँगी मैं इस बार। साथ साथ मैं वीडियो भी लगा रही हूँ। और ये देखें मौसम, अभी मैं कितनी खुश हो रही थी ना कि धूप निकली है, बैठ के काम करूँ, काले स्याह बादल आ गए हैं और इतने तेज़ से आ रहे हैं देखें। तो खैर कटिंग करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा काम है इसको मैं कर लूँ पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि अब मैं जो कपड़े स्टिच करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइट तो मेरे खैर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं और भी थोड़े से ज़्यादा लूज़ रखूँगी। उसके अलावा यह है कि मैं शर्ट्स की लेंथ जो है ना वो ज़रा ज़्यादा रखूँगी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आजकल शर्ट की लेंथ आप कितनी रख रहे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ 40 या 42 तो मैं लाजमी रखूँगी क्योंकि आजकल वैसे भी थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, और फिर ये होता है कि चलो व्लॉग में आप आ जाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, तो फिर लूज़ कपड़े होते हैं थोड़े से तो वो सही लगते हैं। तो खैर अब जो स्टिच हुए हुए हैं वो तो मेरे पास हुए हुए हैं, लेकिन अब जो मैं करूँगी ना तो मैं थोड़े से डिफरेंट जो है ना वो इस तरह से सीऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस बार, मुझे सब कह रहे थे कि मरियम आप जब मतलब जिनको स्टिचिंग अच्छी लगती है, जो मेरी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि मरियम अब जब आपने स्टिचिंग करनी है ना तो आपने वीडियो फुल बनानी है। आज मैंने फुल वीडियो इस तरह से तो नहीं बनाई, एक्चुअली इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाती नहीं हूँ, और बार बार कैमरा देखना, एंगल देखना और फिर कटिंग करना मुझे डर ही लगा रहता है कि शर्ट की या आप ट्राउज़र या शलवार स्टिच करते हैं तो वो ख़राब ना हो जाए। तो खैर मैंने थोड़ी सी वीडियो तो बनाई, मैंने कहा चले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूरी शेयर करूँगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके स्टिचिंग करना या दिखाना या इस तरह से शायद मैं ना कर सकूँ, प्रॉपर आपको ना बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं खैर करती रहूंगी। तो जो भी थोड़े बहुत सिंपल से डिज़ाइंस बनाऊंगी या स्टिचिंग करूंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो होप सो आज मेरे व्यूवर्स जिनको अच्छा लगता है तो वो जो है खुश हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने कटिंग कर ली और मैं आराम से बैठ के तसल्ली से जो है वो कटिंग करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर देख रही थी कि कौन सी लेस जो है वो मैं लगाऊँ, कौन सी अच्छी लगेगी, लेकिन फिर ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी तो इतनी थोड़ी थी कि इसका कोई डिज़ाइन ही नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा चलो रहने दो, इसका ऑलरेडी बॉर्डर काफ़ी कलरफुल सा है तो इसी को ही जो है ना मैं लगा देती हूँ और इस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अंधेरा बहुत हो गया था, बारिश हो रही थी और इतना अंधेरा हो गया था तो सही वीडियो नज़र नहीं आ रही थी, और वैसे भी घर के काम इतने होते हैं, फिर उस्मान की तबीयत ऐसे थी कि उनके लिए बार बार कभी पानी देना, कभी कहवा बना के देना, इस तरह से मैं भाग रही थी तो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आधी जो शर्ट है ना वो मेरी स्टिच हो गई, हाफ जो है ना वो मैं फिर इंशाल्लाह ताला कल करूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दो दिन में हो जाए, तीन दिन में हो जाए, लेकिन कम से कम कपड़े स्टिच तो हो जाए, यही बड़ी बात है। अच्छा, ये मैंने गला जो है ना इस तरह से कटिंग करके और यहाँ पे मैं पिनअप कर रही हूँ, तो
ये मैंने काफ़ी सारी जो है वो कर ली थी, आपको इंशाल्लाह ताला मैं कल दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी जो है ना वो असर का टाइम था, मतलब दोपहर का ही टाइम था। यहाँ पे तो इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है आजकल, एक अच्छी बात हो गई है यहाँ पे कि 5 बजे तक होता है, पहले तो 3 बजे के बाद जो है ना बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता था। तो अभी मतलब 4 साढ़े 4 तक जो है ना वो थोड़ी बहुत ज़रा रोशनी रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी उस्मान को काफ़ी भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम था, तो दोपहर के बाद का बल्कि टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं आपको मज़ेदार सा रैप बना के देती हूँ। कल मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो ये मैं लेकर आई थी, और इसीलिए मैं लेकर आई थी कि मैं रैप बनाऊंगी। और फ्रोज़न मैं ये लेकर आई हूँ, ये बेसिकली ना हॉट एंड स्पाइसी चिकन है, लेकिन इनकी हॉट एंड स्पाइसी इतनी ज़्यादा वैसे वाली हॉट एंड स्पाइसी नहीं होती है, मतलब हमारे लिए नॉर्मल होती है। तो मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया था 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इस पर मायो डाली है और इस पर मैंने केचप डाला है, उसके बाद मैंने जो लेटस होता है वो मैं काट के डाल रही हूँ। इतना मज़े का बना था ना, जैसे आपके KFC के रैप होते हैं, कोई भी आप इस तरह बाहर खाते हैं ना, आप और भी सॉसेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान ने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए हैं, तो उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही है। इवन कि एक रात उन्होंने खाई है, तो अगले दिन यह है कि काफ़ी उनको अच्छा फील हो रहा था, रात को नींद भी बड़ी अच्छी आई थी, अदरवाइज़ तो बिल्कुल नहीं सो रहे थे, बैठे होते थे, लेट भी नहीं सकते थे, जैसे ही तकिए पे सर रखते थे तो इतनी बुरी खांसी, ब्रीदिंग का इशू, पूरी पूरी रात विंडो ओपन करके सांस लेते रहते थे। तो ये है कि अब एक दो बारी खाई है तो काफ़ी उनको फ़र्क फील हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का आपको पता है पूरा कोर्स होता है, तो वो करके इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे प्रॉपर इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया, ये मैंने उस्मान को बना के दिया, साथ मैंने चाय बना के दी, तो बेसिकली ये शाम की चाय के साथ ही मैंने बनाए थे और बहुत बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद मैंने अपने लिए भी रैप बना दिया, और बस इसी तरह से ना थोड़े से घर के काम, थोड़े से ये छोटे छोटे काम, फिर थोड़ी सी स्टिचिंग, फिर थोड़े से काम, यही हो रहा था। तो खैर अभी रात का टाइम है, मैं किचन में आ गई और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। मैंने बर्तन भी वॉश करने थे, उसके साथ मैंने खाना भी बनाना था, किचन भी क्लीन करना था। अच्छा, ये भी मैं कल लेकर आई थी और मैंने कहा चलो मैं ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो इसमें जो है पूरे 1 kg के हैं, मुझे फ्रेश मीट कोई नहीं मिला था, तो फ्रोज़न मिल गया। ये भी मुझे फ़र्स्ट टाइम नज़र आया, पहले भी होते होंगे, मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो मैं जब गई थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ्रोज़न ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। हम लोग यहाँ पे हलाल फूड देख के बिल्कुल ही दीवाने हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ये लेके जाती हूँ, ट्राई करूँगी, और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम एक पैक लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो फिर मैं और भी लेके आऊँगी। अच्छा जी, तो मैंने प्याज में लहसुन अदरक का एक क्यूब डाल दिया, जो कि मैं खुद ही बना के फ्रीज करके रखती हूँ, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे सौते कर लिया था, ताकि जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद चिकन के यहाँ मैं क्यूब्स जो है वो कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, और आप देखें थोड़ा सा ज़रा फ्रीज़ होता है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो इतनी अच्छी कटिंग होती है, इतने अच्छे क्यूब्स बनते हैं ना कि देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको डाल दिया था जो मैं फ्राई कर रही थी, लहसुन को और चिकन को, और बहुत ज़्यादा मैंने मिर्च मसाले नहीं डालने थे। हाँ, मैंने थोड़ा सा कलर ज़्यादा प्याज को दे दिया था, तो उस तरह से ये हो जाता है कि आपके खाने का कलर अच्छा आ जाता है, लेकिन वैसे मैंने मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि आजकल जो है ना वो इतना ज़्यादा मिर्च मसाले वैसे भी हम नहीं खाते, आजकल वैसे भी थोड़े से कम खा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया, हरी मिर्च मैंने एक काट के डाली थी, तो इसका टेस्ट जो है ना आ गया था, और बाकी मैंने फिर बाद में मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था, तो कलर भी बहुत अच्छा निकल के आ गया था। अच्छा, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, इसमें मैंने हल्दी डाली, थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला और नमक डाला, और बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया, और ये रेडी हो गया। इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगा, और जितनी देर तक ये पक रहा था तो मैंने बर्तन वॉश कर लिए, किचन क्लीन कर लिया, तो सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए, और ये देखें ये भी कितना मज़े का रेडी हो गया। तो यहाँ पे रोटी भी रेडी हो गई, और बस अभी हम रात का खाना खाएंगे, और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। मज़ेदार सा चिकन मसाला रेडी हो गया, और होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आज मैंने थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स भी इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।